सो हेलो गाइज, वेलकम टू शिफ्टिंग गियर्स। और इस वीडियो में मेरे साथ है TVS की अपाचे RTR 204V एंड दिस इज द रेस एडिशन। इस बाइक में आपको एक स्लिपर असिस्ट क्लच मिलता है। ऑब्वियसली यू हैव द ड्यूअल चैनल ABS विद RLP विच इज रेयर लिफ्ट प्रोटेक्शन। इस वीडियो में हम चेक करने वाले हैं कैसे फंक्शन करता है इसका स्लिपर क्लच। नाउ दिस इज द ओनली बाइक इन इट्स क्लास टू कम विद अ स्लिपर असिस्ट क्लच एंड दैट इज व्हाई TVS इज कॉलिंग दिस द रेस एडिशन, क्योंकि इस बाइक के साथ आप कॉर्नर्स बहुत कंफर्टेबली अटैक कर सकते हो एंड यू विल नॉट फील एनी नर्वसनेस बिकॉज द रेयर व्हील विल नॉट लॉक एंड हॉप जस्ट इन केस आप एक या दो गियर कम कर देते हो व्हाइल अप्रोचिंग कॉर्नर्स। दैट इज गोइंग टू मेक यू फील कॉन्फिडेंट एंड वेरी कंफर्टेबल व्हेन यू आर राइडिंग दिस बाइक रियली हार्ड इन द कैनियन रोड्स, घाट रोड्स में अगर आप इस बाइक को चला रहे हो। चलिए देखते हैं कैसे परफॉर्म करता है इसका स्लिपर क्लच। डू स्टे ट्यून्ड एंड देयर इज आल्सो अ गोट विद अस इन दिस वीडियो टुडे। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, इसकी जो इंजन है दिस इज एन एयर कूल्ड मोटर। इस अपाचे RTR 204V रेस एडिशन में आपको लिक्विड कूलिंग टेक्नोलॉजी नहीं मिलती है एंड दिस इंजन इज मैच टू अ 5-speed गियरबॉक्स। इसमें आपको 6-speed गियरबॉक्स भी नहीं मिलता है। अपाचे RTR 204V की खासियत यह है कि इसका जो क्लच है वो बहुत ज़्यादा लाइट है और इसका जो गियरबॉक्स भी है दैट इज़ ऑल्सो वेरी स्लिक शिफ्टिंग, तो आपको फॉल शिफ्टिंग नहीं होते रहती है बार बार एंड द गियर चेंजेस हैपन वेरी नाइस एंड वेरी सीमलेसली। लाइट क्लच की वजह से आप इस बाइक को सिटी में बहुत आसानी से चला सकते हो और आपको इसमें कोई दिक्कत फील नहीं होने वाली है और आपके लेफ्ट हैंड की उंगलियों को तकलीफ भी नहीं होगी बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में। अ लाइट क्लच इज ऑलवेज अ वेलकम फीचर। अभी आप देख सकते हो कि मैं घाट रोड्स पे बाइक को चला रहा हूँ एंड आई एम राइट नाउ नॉट रियली राइडिंग इट टू फास्ट बट आई एम लीनिंग द बाइक अ फेयर बिट। और इस बीच में जब मैं गियर चेंजेस कर रहा हूँ व्हेन आई एम अटैकिंग दिस कॉर्नर्स एंड देन वैकिंग द थ्रॉटल ओपन द रेयर व्हील इज नॉट रियली लॉकिंग और इसमें से आपको ज़्यादा वो स्क्वीकी या स्क्रीचिंग साउंड भी नहीं आएंगे विच मीन्स दैट द टायर इज गेनिंग डिसेंट अमाउंट ऑफ ट्रैक्शन। तो भले ही आप गियर डाउन कर रहे हो, डाउन शिफ्ट कर रहे हो, द व्हील इज नॉट लॉकिंग, क्योंकि अगर व्हील लॉक हो रहा होता तो आपको टायर नॉइज थोड़ा बहुत सुनाई देता एंड ऑल्सो द बाइक इज नॉट ट्विचिंग टू मच। ऑफकोर्स अगर आप दो गियर डाउन करोगे मिड कॉर्नर में, अगर आप कॉर्नर के बीच में गियर डाउन करोगे तो आपको थोड़ा बहुत फील होगा कि गाड़ी में जो है वो थोड़ा बहुत टेंशन बिल्ड हो रहा है फ्रॉम द रेयर एंड बिकॉज द चेसी इज टाइटनिंग अ बिट बिकॉज नाउ द इंजन ब्रेकिंग इज एट इट्स पीक, बट फिर भी द स्लिपर असिस्ट क्लच इज वर्किंग ब्रिलियंटली और लॉकिंग नहीं हो रही है ज़्यादा, तो आप काफ़ी कॉन्फिडेंटली इस बाइक को चला सकते हो। सो आई एम गोइंग टू गिव इट अ नाइस थम्स अप। TVS ने काफ़ी अच्छे से कैलिब्रेट किया है क्लच को फॉर इट्स लाइट एक्शन एंड ऑल्सो द स्लिपर क्लच सो दैट द रेयर व्हील डजंट लॉक टू मच एंड यू कैन हैव फन व्हाइल राइडिंग दिस मोटरसाइकिल। अपहिल भी मैं चला चुका हूँ, लेट्स चेक द स्लिपर क्लच फंक्शनैलिटी ऑन अ डाउनहिल। आई गेस दिस बिग रेड थिंग इज गोइंग टू रूइन आवर मोमेंटम फॉर अ फ्यू सेकेंड्स। लेट मी चेक अगर क्लियर रोड मिल जाता है ओवरटेक करने के लिए। ओके दिस इज डिसेंट, लेट्स गो। एंड क्लच इसका इतना अच्छा है, लेट मी टेल यू, कि अगर आप अपशिफ्ट कर रहे हो या डाउन शिफ्ट कर रहे हो यू आर गोइंग टू रियली बी कम्फर्टेबल ऑन दिस मोटरसाइकिल। दिक्कत बिल्कुल भी नहीं हो रही है मुझे एंड द बाइक जस्ट इज फैंटास्टिक इन दैट डिपार्टमेंट। तो सिटी राइडिंग के लिए तो ये काफ़ी अच्छी है एंड देर इज गोइंग टू बी नो प्रॉब्लम फेस्ड एट ऑल। ऑब्वियसली इसकी जो 5-speed गियरबॉक्स है उसकी गियरिंग भी काफ़ी अच्छी है, इट इज़ वेरी सूटेबल फॉर सिटी राइडिंग। तो आप इस बाइक पे कंफर्टेबली कम्यूट कर सकते हो से टू योर कॉलेज और इवन टू योर ऑफिस। नाउ वी आर गोइंग टू अप्रोच कॉर्नर्स एंड लेट्स जस्ट चेक हाउ द स्लिपर क्लच वर्क। आई एम गोइंग टू ड्रॉप द गियर राइट नाउ, एज यू कैन सी ऑन द गियर कंसोल आई एम इन थर्ड नाउ एंड देर इज नो रेयर लॉकिंग एंड हॉपिंग, इट इज़ जस्ट डूइंग दिस सो सीमलेसली। अभी मैं फोर्थ गियर पे हूँ एंड नाउ आई एम अगेन गोइंग टू डाउन शिफ्ट, आई एम नाउ इन थर्ड, नाउ इन सेकेंड। एक्चुअली दो गियर मैंने ड्रॉप किए हैं, फिर भी देर इज नो प्रॉब्लम एंड देर इज नो नर्वसनेस फेल्ट एट ऑल। सो द स्लिपर क्लच ऑन द TVS अपाचे RTR 204V इज वर्किंग जस्ट द वे दैट इट शुड बी। इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, इट इज़ नॉट रियली अ गिमिक। तो TVS ने सिर्फ ये फीचर ऐड करने के लिए ऐड नहीं किया है, ये काम भी अच्छे से कर रहा है। तो अगर आपको ये बाइक ख़रीदनी है, अगर आपको ये बाइक फास्ट चलानी है, अगर आपको इस बाइक को ट्रैक डेज पे यूज़ करना है, दिस इज़ अ गुड मोटरसाइकिल टू इन्वेस्ट मनी इन। ऑल्सो सिटी राइडेबिलिटी इसकी इतनी अच्छी है तो ये बाइक काफ़ी प्रैक्टिकल भी है ऑन योर अदर डे टू डे रन। कमेंट से मुझे बताइए क्या लगता है आपको TVS की अपाचे RTR 204V के बारे में, क्या आप ये बाइक खरीदोगे एंड विल यू इन्वेस्ट द एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ मनी टू बाय दिस रेस एडिशन विच कम्स विद ABS विद RLP विच इज़ रेयर लिफ्ट प्रोटेक्शन।
और इसमें आपको ये फैंटास्टिक स्लिपर क्लच मिल रहा है। सो टिल नेक्स्ट टाइम सब्सक्राइब टू द शिफ्टिंग गियर्स चैनल एंड आई विल सी यू लेटर।